हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है लकी सर के ऑफिशियली एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम जुलाई 2020 को लेकर, एमपीटेट एग्जाम वर्ग 3 को लेकर। अगर आप सीटेट एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो जरूर देखें। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण के टॉप 20 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। अब तो लकी सर के ऑफिशियली एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप एमपीटेट सीटेट के रेगुलर नोट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबा दें, जिससे कि जब भी हम लेटेस्ट वीडियो बनाएंगे आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं स्क्रीन पर आज का। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं यहाँ पर, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद के लिए कौन सा विटामिन उपयोग में लाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ग 3 में आने की प्रबल संभावना है, सीटेट में अक्सर पूछा गया है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा आपका ए, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आज का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पीत ज्वर संचालित किया जाता है एडीज द्वारा, एनोफिलीज द्वारा, घरेलू मक्खी द्वारा या क्योरेलक्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर होगा आपका ए, एडीज, ठीक है, के द्वारा, ठीक है, मच्छर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आज का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ग 3 में आने की प्रबल संभावना है, किसी ना किसी सेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, मानव के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है। आपको बताना है मानव के स्वस्थ नेत्रों के लिए किस कौन सा विटामिन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर होगा आपका ए, विटामिन ए। दोस्तों कमेंट जरूर करें आप, अगर आंसर जानते हैं तो आप लोगों को कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर फोर है स्क्रीन पर, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है प्रोटीन, विटामिन, खनिज या कार्बोहाइड्रेट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर का यहाँ पर बच्चों करेक्ट आंसर होगा आपका डी, कार्बोहाइड्रेट। अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फाइव है स्क्रीन पर, अच्छा क्वेश्चन है, वर्ग 3 में आने की प्रबल संभावना है, अन्न एक समृद्ध स्रोत होता है, ठीक है, अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव का यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका ए बच्चों, स्टार्च आपका करेक्ट आंसर होगा, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर होगा आपका ए, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आज का। क्वेश्चन नंबर सिक्स, गाय का दूध पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सीटेट में तो आता ही है, वर्ग 3 में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है स्क्रीन पर, सिक्स का करेक्ट आंसर होगा आपका डी, केरोटिन, नोट कर लें। गाय का दूध पीला किसकी कारण होता है बच्चों, केरोटिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर सेवन है स्क्रीन पर, चेचक होने का कारण क्या है, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर सेवन का करेक्ट आंसर है आपका बी, बेरियोला वायरस। ओके, क्वेश्चन नंबर सेवन का यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका बी, बेरियोला वायरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आज का। क्वेश्चन नंबर एट, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, मस्तिष्क, यकृत, वृक्क या पीलिया। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं एग्जाम में, पीलिया किस संक्रमण के कारण होता है, पीलिया। क्वेश्चन नंबर एट का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका बी, यकृत, नोट कर लें। कमेंट जरूर करें अगर आप आंसर जानते हैं तो, क्वेश्चन नंबर एट का करेक्ट आंसर होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर नाइन है स्क्रीन पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ग 3 में आने की प्रबल संभावना है, स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स या स्टोर्स। क्वेश्चन नंबर नाइन का बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका बी, प्रोटीन, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर नाइन का करेक्ट आंसर होगा आपका बी, प्रोटीन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर टेन है स्क्रीन पर, दोस्तों अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर करें। BCG का टीका निम्न के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर टेन का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका सी, तपेदिक, नोट कर लें। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ग 3 में आ सकता है। BCG का टीका निम्न के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है, तपेदिक आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है स्क्रीन पर, यहाँ पर आप देख रहे हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट जरूर करें अगर आंसर जानते हैं तो। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा अवयव मदद करता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
11 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, विटामिन के आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी ने सही आंसर बताया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है स्क्रीन पर। यहाँ पर निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंगों को ग्रसित करता है? निमोनिया, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 12 है स्क्रीन पर, करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा आपका डी, फेफड़ा। नोट कर लें, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंगों को प्रभावित करता है? फेफड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आज का, क्वेश्चन नंबर 13। मूत्र के स्त्रत्व को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ग 3 में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 13 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका सी, डायुरेटिक। नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 13 का बच्चों करेक्ट आंसर होगा आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आज का, क्वेश्चन नंबर 14, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सभी लोग करेक्ट देंगे। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI स्थित है नागपुर, हैदराबाद, लखनऊ या मैसूर? क्वेश्चन नंबर 14 है स्क्रीन पर, अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, लखनऊ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है स्क्रीन पर, हैजा का क्या कारण है? अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का सही आंसर आना चाहिए। हैजा क्या कारण है? हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, फफूंद या शैवाल? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा आपका ए, जीवाणु। नोट कर लें, हैजा का क्या कारण है? जीवाणु आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है स्क्रीन पर, जल्दी से कमेंट करें, 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ क्या है? एंटी अमीबा, अमीबा या फैग्रोट्रॉफिक या ट्रिपेनोसोमा? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बताएं, कमेंट करके बता दें। एंटी अमीब एक्ट अमीबा करेक्ट आंसर होगा। 16 का ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है स्क्रीन पर, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अगर आंसर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट कर दें, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा आपका डी, आंत। नोट कर लें, टाइफाइड से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है स्क्रीन पर, निम्न की कमी से एनीमिया रोग होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है, वर्ग 3 में आ सकता है। निम्न की कमी से एनीमिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी आपका, लोहा। नोट कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आज का, क्वेश्चन नंबर 19, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ग 3 में आ सकता है बिल्कुल। निम्न में से आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आपको बताना है उपरोक्त ऑप्शन में सबसे अच्छा स्रोत आयोडीन का कौन सा है? शैवाल, सेम, मूली या गेहूं? जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका शैवाल। नोट कर लें, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? शैवाल आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है स्क्रीन पर बच्चों, कमेंट जरूर करें, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम या लोहा? अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आंसर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 20 का बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका सी, पोटेशियम। नोट कर लें, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? करेक्ट आंसर होगा आपका सी, पोटेशियम। दोस्तों अगर आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप हमारे चैनल के माध्यम से MPTET वर्ग 3 की तैयारी कर सकते हैं, इसके अलावा आप CTET की तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क। दोस्तों अगर आप हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो रोज़ रात को 9:30 PM पर हमारी लाइव क्लास होती है, आप सभी लाइव क्लास जरूर अटेंड करें, यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें, और इसके अलावा दोस्तों
दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे और लाइव क्लास में ज़रूर आएंगे। आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, आपकी कितनी तैयारी चल रही है, आपकी क्या कंडीशन है, लाइव क्लास में आपको पता चल जाएगा आप 50 क्वेश्चन में कितने करेक्ट आंसर देते हैं। क्लास के बाद आपको आपका स्कोर बताया जाएगा कि आपके कितने करेक्ट आंसर हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बाय।